वाह उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर से होंगे, अदल आप सबको खुश रखिए, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। तो वेलकम करते हैं जी आपको हमारे YouTube चैनल वैश्नाज ऑफिशियल में। तो आज जो है ना, ईद के बाद की सफाइयाँ हो चुकी हैं और आपको पता है ईद का सीजन रहा है, तो बाहर आना जाना और घर में खाने पकाना वगैरह सारी जिम्मेदारी आपको पता है घर की औरतों पर होती है। और ईद के बाद जैसे ही ख़त्म हो फिर भी सफाइयाँ करनी पड़ती हैं और ईद से पहले भी सफाइयाँ करनी पड़ती हैं, मतलब हम तो औरतें पैदा ही सफाइयों के लिए हुई हैं। तो आज जो है ना व्लॉग का आगाज़ हम सुबह सुबह कर रहे हैं और घर की क्लीनिंग हैं। और आज जो है ना सफाई कुछ ज़्यादा खास हुई है, डीपली क्लीनिंग की है, क्योंकि आज हमारे घर में गेस्ट आ रही हैं और काफ़ी अरसे के बाद उनसे मुलाकात हो रही है। और मुझे भी शौक था कि मैं भी जो है नए लोगों से मिलूं, लेकिन जिनसे मिल चुकी हूं जब उन्होंने अच्छा से घर नहीं दिया तो फिर हिम्मत टूट गई थी कि बंदा किसी से ना मिले बेहतर है। तो फिर सोचा कि लोगों से मिलना चाहिए, अच्छे बुरे लोग आते जाते रहते हैं, सिर्फ इंसान को अपना खुद ज़्यादा का जिम्मेदार होता है, बाकी किसी का नहीं होता है। देंगे आपको भी मिलवाएंगे, बहुत जल्द वो आने वाले हैं, लेकिन अभी जो है ना मैं अपने काम स्टार्ट ख़त्म करके गोश्त वगैरह बाहर निकाल दिया था, ये भी नरम होता है होने वाला है। तो हस्बैंड गए हुए हैं बाहर कुछ सामान वगैरह लेने और देख रहे हैं पसीना तो बिल्कुल टूटा पड़ा है। तो मैं जा रही हूँ रोटियाँ वगैरह लगवाने वाले जो घर है जिसे लगवाते हैं रोटियाँ, वहाँ से पता करती हूँ कि उनका क्या सीन है, रोटी लगा के देंगे या फिर मुझे लगाना पड़ेगी। नहीं नहीं मैं नहीं लगा सकती, एक रोटी का ना बोला करे, बाकी जो मुझसे काम बोले मैं करने के लिए तैयार हूँ। एक रोटी और एक बर्तन, बर्तन धोने से क्या होता है नेल टूट जाते हैं और रोटी गर्मी में नहीं बनाई जाती है। नहीं भाई नहीं, तो चले देते हैं, वक्त ज़ाय नहीं करते हैं। और ये चादर है, मैं चादर पहन लूँ पहले, ज़रा रखते हैं इधर। आ रही हूँ रोटियों वाली भाभी के पास, पूछती हूँ कि वो रोटियाँ हमें लगा देंगी या नहीं लगा देंगी। अरशमान बैठा है घर, तो भी बस रोटी का तो मैंने पूछ लिया है और वो जो है ना बना के दे देंगी। अभी हम जो घर जा रहे हैं और उनकी कॉल भी आ चुकी है कि वो लोग बस पहुँचने वाले। तो मैंगो तो मंगवाए थे मैंने और ये भी मंगवाए थे, ये भी चले सब कुछ आ गया है। अब जल्दी जल्दी से फटाफट से बनाना स्टार्ट करते हैं, मज़ीद टाइम वेस्ट किए। तो भी बार सालन हमारा रेडी हो गया है। आज मैंने बनाया है मटन का कोरमा, बहुत ही डिलीशियस और मज़े का लग रहा है वैसे मुझे। कैसे ज़रा मारता जी, मैं शाक जी जैसे मैंने जैसे वली में जी भाजी होंगी ऐसे जैसे खड़े हो गए खुशबू सुंगवा है खुशबू। तो भी बार हमारे मेहमान आ गए हैं, जल्दी जल्दी अब उनको रिसीव करते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। बहुत गर्मी हो गई है ना, चले आ जाए फिर। गाइस हमारे मेहमान आ गए थे और अभी अम्मी लग गई हैं काम पर, और हमारे मेहमानों में से एक मेहमान ये भी हैं, तो नाम नहीं आता, नाम नहीं आता मुझे। आपका नाम क्या है? इनका नाम है रुबीना। और आपके चैनल का नाम क्या है? रुबीना शहजाद। और इनके चैनल का नाम है रुबीना शहजाद व्लॉग। वैसे अक्सर जो हमारे सब्सक्राइबर इनके पास भी होंगे बट हमारे पास भी होते हैं, सारे एक ही होते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स अभी जो है ना इतनी गर्मी हो गई है, जल्दी जल्दी हम लोग खाना लगा रहे हैं, मेहमान हमारे बेचारे पहुंच गए हैं गर्मी में। तो कैसा लग रहा है बाकी आपको यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा, मैं भी नाज ऑफिशियल से मिलने का कसम से दिल था कि हम भी मिलेंगे। मुझे भी हसरत थी आपसे मिलने की, और देखिए हमारी हसरतें ले आई ना आप, बस बहुत बहुत सा अच्छा। ए तो अली नवासी है, माशाल्लाह माशाल्लाह है बेटा। क्या नाम है? नाम तो बेबी। ये जी हमारी किरण सिस्टर नानी भी है, हमें आज पता चला है। फिर तो आपकी बेटी से भी मिलना चाहिए ना, ज्यादा तो ले आती ना आप उनको भी, आप ले आती ना, इसमें क्या पड़ी थी, मेरी बेटी को देख के खुश हो जाती, मेरी भी तो है। तो भी बस अभी जो है ना खाना खा लिया है, मीठा निकालना था, कहाँ कर दिया? ओ तेलाते
ओ भाई इतना गोश्त नहीं है हमारे का, बस हमसायों का रखा हुआ है हमारा, इतना नहीं मिलता है वेट की वजह से, अजो गोश्त हो से अजो गोश्त। हां भी दे रहे ए लाते कष्ट। ओहो ठंडा बहुत हो गया। अले सी अब्बा तेरा खाना वगैरह खा के दा से ए और सारा सडा ए मीठा मेन्यू मीठा मेन्यू ते मेहमान ने सारा खाना केंजा लगे मैं पेशनाद ऑफिशियल ते हद तक खाना नहीं कहया हम बंदे दा हां बस इतना भी दा सिर्च चाड़ो इतना भी कैन से मामूली चाहिए इंसान मार्केट चख के देख जी नो। हां वैसे गवाह मैं भी हां चंगा है मजे दाई है ना सही भागी बाकी ए बाजी एक बात कहना जान देख हल से ही ना देखा फर्स्ट टाइम मिलदे पे हैं अला बोली पखना पीना पे और ए साडी किरण बाजी है सारी लाइफ देख के भी होने पे और बहुत सारी अच्छी सिस्टर है और काफी यार से वाला दिले क्वाइट है कि ने कुमिल सु मिल सु बस कुछ लोग के नहीं बजा दो ना कहीं हम भी नहीं छोड़ दा दे सारे सेम कहानी है। हां हम सारी से साथ में चंगे बने साथ जे रहने ओ है क्या दे बाजी मोहतर आसी अंदिया किने ना सब मोहतर आसी अंदिया सही में देखा थोड़े ना मौके को दूर दूर कहे से लेकिन वाल यू सोचे भी यार हर कोई को जानी होंदा बाहर निकस्तु ते कहीं ना मिल तो सोचे चार दिन की जिंदगी है दूर दूर चैनल है बस चैनल ही हुए जे जो हर टाइम मतलब बंद कर सकती है बस यही ना ही और मोहब्बत की क्लास जे ये हाय रहे वैसे हमेशा आज अगर कहीं लगता है चंगा अलग और गिनतु ना व्यूअर्स के पीछे इंशाल्लाह सारी ये गल ही है सारी मुलाकात है सारी जिंदगी भर तक जिंदा रहो मोहब्बत याद रहे वैसे कोई भी खा दे तो ऐसा भूखा नहीं होता हर कोई बस प्यार और मोहब्बत वास्ते अंदर सपोर्ट वास्ते अंदर व्यूअर असा सारे छोटे यूट्यूबर्स हैं माशाल्लाह इतने छोटे हैं मेरा तो यही यही थोड़ा घर बस चलो कोई गल नहीं गया मैं जितनी मेहनत की थी ना सबको पता है एक औरत की मैं चैनल चल रही है या की मैं चल रही है एक औरत घर के नाल नाल एक सोशल मीडिया को ही हाथ रखी वदे पकड़ी वदे ये भी बहुत मुश्किल होने मैं का अगर कहीं भी अल्लाह ताला मेरे को एक मकाम दिता ना मेरे चैनल ग्रो किया और कोई ना मेरा दिखता तो मेरा तो सारे ना ऑन कैमरा यो बात है कि मैं अपने जिया हर औरत को सपोर्ट करे सब प्रिय जेरी मेरे अंदर मेहनत करेगी और सिस्टर क्योंकि ऐसा लिखे एक औरत कितनी मेहनत करे रही है बहु एक हाउस वाइफ को एक घर को बाहर होने के लिए कितनी मेहनत करी है मैं जिंदगी तक कहीं भी कामयाब थी ना मैं अपने बिगड़ी की बहुत सपोर्ट करता खसूस हाउस वाइफ जी हो सकते ना जी बिल्कुल अपने इतना मेहनत करते मेरे को पता है कि एक औरत की मेहनत करे एक मेहनत ये विवर एक मुल्तानो एक मुजफ्फरगढ़ से बैठे तो इतनी गर्मी दे रहे इतनी गर्मी दे माशाल्लाह विवर ने बना कितनी बजे 7:30 बजे बना है ना 8:00 बजे 9 बजे विवर ने रवाना है लेकिन एक सुबह होन कुत्ते पैर 2 बजे तक बन गए 1 घंटा मैं पहले आई हूं 8 बजे दी मैं बैठिया जल्दी जल्दी हम सब मिठा खाओ ये तो भाग ही ना वे खाने दी ਸਹੀ ਹੋਣੀ ਨੇ ਬਹੁਤ 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 ਮੱਠੀਆਂ ਨੇ ਵੀਵਰ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖਾਣਾ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਛੱਡ ਨਾ ਕਰੂ ਨਾ ਕਰੂ ਅਸਾਂ ਨਾ ਕਰੂ ਨਾ ਅਸਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਾਂ ਲੋਟੀ ਪੇ ਸੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਗੋਸਵੇ ਸੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਟੀ ਰੋਟੀ ਸਾਰਾ ਫੋਰ ਫਲੋਰ ਤੇ ਗਸੂ ਮਾ ਕਾਇ ਛੱਡ ਸਗਵਾ ਜਿੱਥਾ ਸਾਰੇ ਖਾਣਾ ਆਪ ਅਕੇਲੇ ਸੇ ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਪੈ ਆਦੇ ਦੇ ਅਸਾਂ ਕਾਲੀ ਘਰ ਆਉਂ ਨਾ ਸਭ ਵੇੜੇ ਦਾ ਕੰਮ ਦੀ ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਪਕਾਏ ਨਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਨਾ ਪੱਕਾ ਪਕਾਏ ਨਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸਾਂ ਆਪ ਪਕਾ ਗਿੱਤ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਲੋ ਮਾਰਕਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਹੈ ਆਂਟੀ ਸਾਡੀ ਪਸੰਦੀਦਾ ਸ਼ੈ ਖੇਲਦੇ ਆ ਜੇ ਸਾਡੀ ਸਭ ਮਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਅੱਲਾਹ ਗੱਲ ਹੀ ਥੀ ਵੈਸੇ ਤੂੰ ਤੇ ਜ਼ਾਰਾ ਮਿਠਾਈ ਮਿਠਾਈ ਤੇ ਅਸਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਪਸ ਰੱਖੋ ਸਾਰੇ ਪੁੱਤਾ ਕਰ ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਅੰਗੇ ਸਾਰਾ ਜ਼ਾਰਾ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਰੱਖੋ ਗਾੜੀ ਮਾਰਕਾ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਕੋਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਥਾ ਸੁਬਾ ਪੜ ਪੜ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਤਲਾਬ ਹੈ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ
ਛੋੜ ਹੁਣ ਤੇ ਬਰੀਂਦੀ ਪੀਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਅਸਾਂ ਦੇਖ ਕਿਤੇ ਸੇ ਖਾ ਕਿਤੇ ਸੇ ਮਰ ਕੰਮ ਛੋੜ ਅਮੀ ਬੱਤਾ ਚੰਗਾ ਸੀ ਆਗੇ ਤੇ ਮਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਆਣ ਦੇ ਸਾਥ ਹੁਣ ਉਹ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਮਾਲ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਦੋਵੇਂ ਆਣ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਠਾਈਆਂ ਕਿਤੀ ਬਤੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੇ ਅਮੀ ਕੋ ਬਹੁ ਬਹੁ ਬੇਟਾ ਹਾਸ਼ਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਤੇ ਇਨ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਬਾਗ ਬਾਗ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੀ ਬਤਾਉਂ ਹਾਏ ਅੱਲਾ ਸਾਕੂ ਪਤਾ ਹੀ ਭੇਜੋ ਕਿਆ ਕਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮਾਂ ਕਾ ਮੈਂ ਇਧਰ ਆਪਣਾ ਖੁਤਬਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਰ ਅਬਰ ਦੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਏ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਜਬ ਖਾਦੀ ਬਿੜੇ ਤੇ ਬਣਾਇਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕਰਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇੱਕਦਮ ਪੁੱਠਾ ਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਪਸ ਰੱਖੋ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗਾ ਸਾਰੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਂਟੀ ਹੁੰਦਾ ਆਂਟੀ ਕੋ ਚਾਹ ਦੇ ਹੁਣ ਸ਼ਰਾਬਤ ਨਾਲ ਚਾਹ ਦੇ ਆਂਟੀ ਹੋਣੀ ਕੋ ਚਿੱਟਾ ਆਈ ਉਹ ਗੁਲਾਬੀ ਵਾਲਾ ਸੀਨ ਵੀ ਗਏ ਮੇਰਾ ਮਰ ਕਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮਨ ਚ ਹੀ ਖੜੀ ਆਂ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਮੇ ਹੈ ਨਾ ਬੋਲੋ ये आंटियों से पूछ लो आज तो गवाह बैठे हैं अच्छा मर कर वैसे सीन चंगा पड़े भाजी है ना मजेदार ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸਿਸਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਗੱਤ ਸ਼ਰੀਫ ਕਹਿਣਾਵੇ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਹੀ ਵੇ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਵੇ ਢੇਰ ਹੀ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵਜਾਏ ਦੋਵੇਂ ਬਹਿਣ ਸਾਰੇ ਆਏ ਬੈਠਣ ਇੰਨੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨਾਲ ਸਾਕੂ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹੀ ਅਸਾਂ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਸੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਹਰ ਕਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਮਿਠਾਈ ਖਾਵਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿਨੇ ਦੇ ਕੰਮ ਚੈੱਕ ਤੇ ਕਰੋ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇ ਟਿਕਟੌਕ ਹਾਂ ਟਿਕਟੌਕ ਪੇ ਨਾ ਲਗਾਈ ਕਿਆ ਬਸ ਅਭੀ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਨਕੋ ਫਿਰ ਡਾਲਿਆ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਕੋ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਹਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡੀ ਸਟਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਉਹ ਇਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਟਾਰ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿਆ ਪਤਾ